राणा जी, जो अभी हमने देखी जब नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी एक साथ बैठे हुए थे, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ महीने पहले ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या क्या कह रहे थे। मैत्री, वो बचपन से क्रिकेट देखते देखते ना एक बात बार बार वो कमेंटर कहता था कि क्रिकेट जो है ना अनिश्चितताओं का खेल होता है, और खेल है भी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो सबसे ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बिहार में जो कुछ भी पिछले 12 घंटे या 14 घंटे में हुआ है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जो दोनों लोग साथ बैठे, 4 साल बाद इस तस्वीर की वापसी है बिहार की राजनीति में। 4 साल पहले जून 2013 में जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि गोवा की बैठक में नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलने वाली बीजेपी के साथ तो मैं चल ही नहीं सकता हूं, मेरी राजनीति ऐसा गवारा करती ही नहीं है, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। 2013 में यह सरकार जेडीयू और बीजेपी अलग अलग हो गए थे, और फिर 4 साल बाद बिहार की राजनीति में दोनों दल साथ साथ हैं। राजीव भाई चूंकि हैं तो मैं सोचता हूं कि राजीव भाई, चले एक सवाल आपसे मैं कर लूं। कल आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अंतरात्मा ये गवाही नहीं दे रही थी कि मैं इस गठबंधन की अगुवाई कर पाऊं। इस गठबंधन के हक में बिहार की जनता ने जनादेश दिया था और आप प्रचंड बहुमत के साथ आए थे, उस अंतरात्मा ने यह भी तो पूछा होगा ना कि गठबंधन का को जनादेश तो लोगों ने दिया था, तो कम से कम चल करके एक बार जनादेश दोबारा ले लें, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अंतरात्मा की आवाज भी सहूलियत से। देखिए, सबसे पहली बात है राणा जी, जो बिहार की स्थितियां थी, एक द्वंद नीतीश कुमार जी के मन में लंबे समय से था, और आप अगर देखें तो पिछले 2 सप्ताह, एक पखवाड़ा हम कहें, जिस तरह की अनिश्चितता की स्थिति बिहार की राजनीति में बन गई थी, लगातार पार्टी की ओर से हम संदेश दे रहे थे कि जो भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह के FIR में जो सवाल खड़े किए गए हैं, उस पर उन्हें अपनी बात को सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट करनी चाहिए कि उन पर उनकी राय क्या है। और कई बार आपको भी बोरियत होने लगी थी जब हम लोग बार बार एक ही बात कहते थे, हम लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं, हमें उम्मीद है जल्द से जल्द वो जवाब देंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नजरअंदाज किया, और बल्कि वो महसूस उन्होंने कराने की कोशिश की कि वो एक बड़े दल के तौर पर वो जीत कर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के लिए एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें उनको निर्णय लेना था। राजीव जी, वो उनकी छवि के अनुरूप है कि जब भी वो कसमकस में होते हैं तो उस समय अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, बदल लेते हैं। वो क्या है राजीव भाई कि जब कभी भी नीतीश कुमार का आकलन उनके विरोधी करते हैं तो 2-4 बातें बड़ी सामने आती हैं कि अपने अनुकूल जब माहौल हो उसमें फैसला अपने मुताबिक लेकर के अपनी इमेज को गढ़ लेना, यह कोई राजनीति नहीं है। क्योंकि आपने जब यह गठबंधन किया था 2015 के चुनाव के लिए, तब भी आपको पता था कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति क्या है। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड थे, लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनके साथ आपने गठजोड़ किया, उनके साथ आप सत्ता में आए और एक FIR के आधार पर अपनी सरकार तोड़ दी, यह बात पछती नहीं है ना? ये भी तय हो जाए कि अब FIR के बाद ही सरकारें बनेगी बिगड़ेंगी। देखिए, मुझे स्पष्ट करने दीजिए, लालू प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लालू प्रसाद जी बनने वाली किसी सरकार में किसी पद पर नहीं हो सकते थे, ये नीतीश कुमार जी को पता था, और सरकार में अगर शामिल नहीं थे तो एक जन आंदोलन की उपज थे, बिहार आंदोलन ने लालू प्रसाद यादव जी को एक बड़ा कद दिया था, बिहार में लंबे समय तक सामाजिक न्याय की उन्होंने धारा बहाई और एक बड़ा सामाजिक जो समीकरण है उन्होंने गढ़ने का कार्य किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ये कतई नहीं चाहते थे कि सरकार में शामिल कोई व्यक्ति जिसके आचरण से गलत संदेश जाए वो सरकार में शामिल हो, और इसीलिए लालू प्रसाद जी सत्ता में शामिल नहीं होने वाले थे। लेकिन जब उनके पुत्र को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके कई अन्य जो उनके कोटे से मंत्री बने, तो सरकार में शामिल नेताओं से जरूर अपेक्षाएं थी कि वो शुचिता और पारदर्शिता के जो मानदंड हैं, जो भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उसके अनुरूप उनका आचरण होगा, और हमने उनको पर्याप्त अवसर दिया। जफर इस्लाम साहब अवसर का लाभ वो नहीं उठा पाए, और उन्हें ये कहीं ना कहीं एक ये जफर साहब कहा तो ये जाता है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया ये कुंडली निकाली थी, पहले से आपने पढ़ लिया था ग्रह दशा नक्षत्र क्या है,
समय पहले से तय कर लिया था, आपने राज्यपाल को बुला लिया था, आपने सारे विधायकों को पटना बुला लिया था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, इसमें कहीं कुछ भी नहीं था। अगर कोई गच्चा खा गया, भोजन बनवा लिया सब कुछ, इस भोजन के लिए इतनी लड़ाई हुई, वो भोजन भी कल शाम बन गया था 100 लोगों का और बीजेपी के लोगों ने साथ भोजन किया। पर जब आप गए तो आपका खाना पहले से तैयार था, आपको जाना था राज्यपाल के पास, इतना बढ़िया जुगाड़ आपने राजनीति में कर लिया, बेहतर है ये? जिस बात को आप जुगाड़ कह रहे हैं वो एक आम बिहार के लोग ने आम बिहार के लोगों की पीड़ा थी। जिस तरह से सरकार वहां चल रही थी, लोगों को बड़ी दुश्वारियां हो रही थी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बेहाल हो चुका था, और माननीय मुख्यमंत्री जो थे, जैसा अभी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे, उनको बार बार ये बताया जाता था ये बड़ी पार्टी है और करप्ट से लपेट लोगों के साथ उनको अपने कहीं ना कहीं अंतरात्मा से कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में जिसके लिए वो मुख्यमंत्री, प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री, प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री, जिनको उसकी ज्यादा चिंता थी उनको, और साथ साथ ऐसे लोगों से हट के करप्शन पर लड़ाई करे इसकी ज्यादा चिंता थी। ऐसे में अगर उन्होंने करप्शन के लड़ाई के लिए और को लड़के साथ लड़ने के लिए और लोगों के साथ रहने के लिए लोगों की चिंता करते हुए अगर उन्होंने ऐसा इस्तीफा दिया तो हमारे ये दायित्व बनते थे कि हम उनको सपोर्ट करें ऐसे इस तरह के काम के लिए, ताकि करप्शन फ्री देश हो और डेवलपमेंट का काम जो पिछले 4 सालों से रुका हुआ था वो काम होने लगे। हमारे में और जो बाकी दो पार्टियां जो वहां पर महागठबंधन की थी, जो आरजेडी और कांग्रेस, उसमें फर्क यह है कि उन्हें सत्ता की लालच होती है और हमें जो है आपको लोगों को जो सेवा में जो हम बिलीव करते हैं, ये फर्क है। अरविंद हमारी कोशिश है कि अनसर्टेनिटी ना बनी रहे, बार बार सत्ता के लालच में लोगों की सेवा करें। मैंडेट सेकुलरिज्म पे हो, सरकार जो है ईमानदारी पर चले, और बीजेपी मैंडेट में हार जाए और लोगों के तहत, गरीबों के तहत फ्री शासन के नाम पे सपोर्ट कर दे, सपोर्ट ही नहीं करे, सरकार में शामिल हो जाए। मैंडेट भी कोई चीज है, और जनता ने जब मैंडेट दिया था इसी महागठबंधन को, तब नीतीश जी को और बीजेपी को इतना लिहाज तो रखना ही चाहिए कि अगर फिर बदल रहे हैं तो जनता के पास जाएं। अब ये कहने लेना कि अब करप्शन बड़ा इशू हो गया, तब सेकुलरिज्म बड़ा इशू था, ये किसी के गले आसानी से नहीं उतरेगा। जयशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए इस मामले में मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत ये हो रहा हूं, मतलब देखिए मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। एक जवाब, एक मिनट जफर साहब, मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं नहीं, आप जवाब दीजिएगा, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को नीतीश, मैं जवाब दूं क्या? नीतीश कुमार जी के देने के बारे में बहुत बढ़िया पता था। बोलना सुन लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को नीतीश कुमार के पॉलिटिकल डीएनए के बारे में सबसे अच्छी जानकारी थी और उन्होंने सही समय पर उसका इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, नैतिकता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार को चाहिए था कल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना, सीधी सी बात थी। राजीव जी किस तरह से सफाई दे पा रहे होंगे मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी अंतरात्मा क्या कर रही होगी, अंदर से क्या सोच रहे होंगे, वो बात अलग है, क्योंकि पूरे 3 साल 4 साल तक तो वो बीजेपी के खिलाफ सांप्रदायिक फासिस्ट बोलते बोलते थक गए हो, तो अब उनको फिर से समझाना पड़ेगा कि नहीं नहीं, अब तो धर्मनिरपेक्षता के अवतार के रूप में आ गए हैं सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, और जो गुजरात के दंगे हैं कुछ भी नहीं है, और सारा कुछ अब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो समझाने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, एक सोशल मीडिया पे एक शेर आया था राणा जी कि उसी को हक है जीने का इस जमाने में, इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो ये नीतीश कुमार जी हमारे बहुत बढ़िया इस पर फिट बैठे हैं कि इधर दिखाई दिए कहते रहे कि साहब हम राष्ट्रपति में किसी और का समर्थन कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति में किसी और का। बोलिए राजीव जी। देखिए सबसे पहली बात है, ये सौभाग्य है हमारा कि इस पैनल में जो लोग भी हैं बिहार से किसी न किसी तरीके से उनका जुड़ाव है। अब यहां राणा यशवंत जी हैं, मेरे लंबे समय के उनके साथ संबंध रहे हैं, जयशंकर गुप्त जी के साथ राजनीतिक तौर पर, एक जब मैं प्रशिक्षु के तौर पर काम कर रहा था उस दौर में जयशंकर गुप्त जी बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, अरविंद मोहन जी हैं, उन्होंने तो प्रशिक्षण नहीं दिया था, मैत्रेय जी को भी कवर करते हुए बिहार मैंने देखा है। और जहां तक जफर इस्लाम साहब का सवाल है तो अविभाजित बिहार के एक हिस्से में वो रहे हैं। हमारा ये मानना है जो लोग बिहार को जानते हैं
वो नीतीश कुमार जी की एक चीज को जरूर समझते होंगे कि उन्होंने कुछ मानक खुद गढ़े हैं और उन मानकों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया है। एक अगर लार्जर देन लाइफ एक पर्सनैलिटी उनकी अगर इमर्ज करके आई तो निश्चित तौर पर एक छोटी पार्टी जिसका राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से पूरे देश में ये जरूर स्थिति पैदा की कि चाहे पक्ष या प्रतिपक्ष उनकी चर्चा हो, और बिहार में जो उनको जनादेश मिला निश्चित तौर पर एक छोटी पार्टी के बाद भी अगर वो संख्या बल की दृष्टि से भी हम 71 लोग ही जिता पाए, फिर भी अगर मुख्यमंत्री उन्होंने उनको बनाने का निश्चय महागठबंधन ने किया था तो ये उनकी छवि के अनुरूप था। इसलिए कि महागठबंधन को ये मालूम था कि विसंगतियों के बाद भी जनता ने अगर समर्थन दिया है तो नीतीश कुमार जी के चेहरे की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, और कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया है जिन सवालों पर आज महागठबंधन छोटा सा भ्रष्टाचार सबसे अहम सवाल है, और कोई इंस्टांस बता दीजिए जब उन्होंने इन सवालों पर कोई समझौता किया। राजीव जी एक सवाल, उन्होंने जो किया जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, और लोकतंत्र में अगर जनता सर्वोपरि है तो उनकी भावनाओं के आधार पर यह निर्णय होगा। राजीव जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या अब कम्युनल फोर्सेस एक्टिव नहीं होंगी बिहार में? देखिए एक बात मैत्रेयी जी, अगर आप एनडीए के दौर में जनता दल यूनाइटेड की भूमिका देखेंगी तो नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जिसकी बुनियाद पर हम एनडीए के साथ थे उसके जो प्रमुख जो बिंदु थे वो भी मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना तय कि असहमति जिन सवालों पर हमारी थी हमने उस समय भी महागठबंधन उस समय के एनडीए गठबंधन को सहमत कराया था कि उसका वो सम्मान करे। और हमारा ये मानना है बिहार के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण है। नहीं नहीं, बिहार की 11 करोड़ जनता की जो वेदना पीड़ा और सेंटर से जो सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, जितना छोटा सवाल था उतना ही छोटा जवाब दीजिए। और उसी का जवाब बताइए कि आज शपथ ग्रहण हुआ है, कल से आज तक क्या कोई एजेंडा बना है बीजेपी और जेडीयू का जिसके बेसिस पर सरकार चलेगी? सरकार बनाने का मंत्रिमंडल बनाने का तो सब फैसला हो गया, या इतना बड़ा शासन पलटने का फैसला हो गया, शासन का कोई एजेंडा क्या तय हुआ? जिस एनडीए के एजेंडे की आप बात कर रहे हैं पुराने, क्या नई सरकार बनाते हुए उस पर भी कोई बात हुई है कि क्या बातें नहीं हुई? आज अगर मैं तो अभी बैठा हुआ कमेंट कर रहा था कि जय श्री राम का नारा लगता तो थोड़ा सुनने में और अच्छा लगता, तो क्या इस तरह की चीजें न होंगी? इस बारे में कोई एजेंडा तय हुआ है कि कम्युनलिज्म में जो बीजेपी और संघ परिवार लगा हुआ है गौहत्या से लेकर? मुझे लगता है अरविंद जी यह एहतियातन बता दिया गया था, क्योंकि यहाँ जो भी नारा लगा कम से कम जय श्री राम नहीं लगा, तो बता दिया गया कि आप जो भी नारा लगाना है लगाए, नीतीश कुमार इतने ही भर का एजेंडा तय था तब तो ये अनफॉर्चुनेट है। सरकार चलानी है तो सरकार का भी एजेंडा कुछ तय हुआ होगा ना। और जहां तक भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे राजीव जी, अनंत सिंह जी को साथ में रख करके कौन सी ईमानदारी का परिचय दे रहे थे? और एक मिनट, जब राज्यसभा के टिकट आपने किंग महेंद्र को दिए और एनके सिंह जी को दिए तो ईमानदारी के किस मानदंड पे खड़े उतरते थे बता देंगे आप? किस समाजवादी पृष्ठभूमि के थे वो लोग? एनके सिंह पर कोई सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, किंग महेंद्र पर भी कोई आरोप नहीं थे। देखिए ये जो जो मनोनीत चुनाव में हमने पोस्टर लगाए वहीं से शुरुआत की है हमने, उनके कई आधार हो सकते हैं। मैंने कहा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के सवाल पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जो उम्मीदवार जिनका नाम आपने लिया है उनके खिलाफ किसी ईडी का आरोप नहीं था, किसी इनकम टैक्स का आरोप नहीं था, अरे कोई मोदी उनके पीछे नहीं पड़ा था आरोप नहीं था। और जब अनंत सिंह के खिलाफ प्रामाणिक आरोप लगे पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं एक बात कहना चाहूंगा अरविंद मोहन जी, राजनेताओं को तलवार की धार पर चलना पड़ता है, फैसला जो भी होगा वो कसौटी पर कसे जाएंगे, लेकिन समकालीन राजनेताओं में नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर एक ऐसे उत्कृष्ट आचरण के लिए जाने जाते हैं जिनको कभी भी जब भी उनको कसौटी पर कसा गया है वो खड़े उतरे हैं। और इस बार भी जो चुनौतियां हैं नैतिकता के मानदंड अलग अलग राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से गढ़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर एजेंडा की बात आप कर रहे हैं मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, 3 वर्षों में आशंकाओं को प्रधानमंत्री जी ने निर्मूल किया है। उन्होंने गो रक्षा के सवाल पर गो रक्षकों की
कथित हिंसा के सवाल पर जो कठोर रुख अख्तियार किया, विकास को लेकर के जो एक वैश्विक तौर पर जो भारत की एक राजीव जी आप एक मुद्दे को छोड़कर सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, छोड़ के नरेंद्र मोदी की तारीफ पे आ गए, विधायक मोड पर देश में जुड़कर उनके सिर्फ एक मुद्दे पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप नीतीश जिस पे आप सबसे ज्यादा बोलते थे जब आप बीजेपी की मुखालफत करते थे, छोड़ के नरेंद्र मोदी की तारीफ पर शिफ्ट हो गए एक मिनट में। ये तो सबसे बड़ा एजेंडा यही है। राजीव भाई, राजनीति में कितनी पीड़ा उठानी पड़ती होगी ये इसका अंदाजा हमें हो रहा है कि आप कल शाम 6 बजे पहले अगर मैं आपसे पूछता तो आप कुछ और कह रहे होते, अभी पूछ रहा हूँ तो आप कुछ और कह रहे हैं। जफर साहब, ये जो बिहार में आपको लगा कि नहीं छोटा भाई बनके नीतीश कुमार का रहा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना तो चाहिए बिहार में, ये 2019 की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि आपको लगा कि बाकी सब कुछ ठीक है, बिहार में अगर नीतीश कुमार के साय में भी आप चलें तो इससे आपको गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2019 में अगर मोदी साहब को फिर से दिल्ली के तख्त पे बिठाना है तो चलो यही कर लेते हैं, आपने कर लिया ना। देखिए थोड़ा आप जो जिस तरह से परिप्रेक्ष में इस चीज को देख रहे हैं और मैं पॉलिटिकल पार्टी के जिस तरह से हम देख रहे हैं, दोनों में फर्क है। हम देख रहे हैं कि वहां के लोगों की जो पीड़ा थी और वहां पर जो महागठबंधन में आप यकीन मानिए, आप महागठबंधन के लोगों से पूछिए कि वहां 2 पावर सेंटर्स है, पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है, वहां पर एक लालू यादव जी अपनी सरकार, चूंकि वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं ले सकते, तो फिर भी वो सरकार में वहां हस्तक्षेप करते रह रहे और खुद से डायरेक्शन देते रहते थे। ऐसे में क्या ऐसा विकल्प था नीतीश जी को कि जो करप्शन करना चाहते हैं, करप्शन से लपेट लालू यादव जी की पूरी फैमिली है वो जाहिर है और करप्शन करना चाहती है और उस तरह के गलत काम करना चाहती है। टेलीकॉम घोटाला हुआ, उनके पास वही घोटाला हुआ, एक गठबंधन सरकार में तक कि अपने जो अंतर आत्मा से कॉम्प्रोमाइज कर ले, सरकार के मंत्रियों का जिम्मा कांग्रेस पे कैसे आया? नहीं, गठबंधन पहली बार थोड़ी चल रहा है, गठबंधन में अलग अलग पार्टियां रहती हैं तो उनका हाईकमान अलग होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं पार्टी की सरकार अटल जी ने और मनमोहन सिंह ने चलाई है। मैं ये कह रहा हूं नहीं तो देखिए नहीं, लेकिन जहां पर बिहार में आपने देखा होगा, कुछ टेलीविजन चैनल ने दिखाया था, आप शायद उस वीडियो को मैं आपके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जहां मुख्यमंत्री रूम में बैठे हैं लेकिन लालू यादव जी एसपी और डीएसपी और कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस हैसियत से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो आपके लिहाज से ये बिहार में खास के चल रहा था और जिस तरह से करप्शन हो रहा है बिहार पहले की राज्य कोशिश की जा रही थी लालू यादव द्वारा और लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खत्म हो रहा था, वैसा विकल्प ऐसा विकल्प था उनके पास कि बिल्कुल साथ छोड़े, जो हारे हुए लोगों को साथ छोड़ने पर नीतीश कुमार के पास कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो जिम्मा लालू प्रसाद यादव के सिर पे, बहुत बढ़िया है। क्या बात, पहली बात, आप यह मानते हैं कि नीतीश कुमार बेहतर है? लालू जी से नहीं, आपके नेताओं से भी नहीं। नहीं, आप मानते हैं नीतीश कुमार बेहतर है? जफर साहब सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप हाँ बिल्कुल मानता हूँ। मुझे एक सवाल कर तो, हम तो शुरू से कह रहे थे गलत आपकी पार्टी ने 2015 के चुनाव से पहले आपकी पार्टी ने जीतन राम मांझी की अगुवाई में उसी जेडीयू को टॉपल करके नीतीश कुमार की ऐसी तैसी करने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? डीएनए का सवाल भी तो उठाया था आपके, जीतन राम मांझी नहीं बहुत अच्छे थे? नहीं, मांझी जी को हमने नहीं बैठाया था, उन्होंने बैठाया था, मांझी जी को उन्होंने बैठाया था। जब मांझी जी को और दूसरी बात ने कहा कि देखिए मैं तो ऐसा समझता हूँ, एक मुहावरा है हिंदी का कि सुबह का भूला शाम में घर लौटे, नहीं सुबह का भूला शाम घर लौटे तो उसको उसको उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर लेना चाहिए कि कोई गलती भी हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कौन यही राजनीति है, राजनीति का पूरा फलसफा यही है सर, भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता बनाए रखिए, सत्ता के अंदर अंदाज है जो लोगों के हित में काम करती है और वहां पर एक महागठबंधन है जहां पर आप अपने हित के लिए काम करते हैं, दोनों में फर्क है। आप अपने हित के लिए काम कर, तर्क और दलील तो आप अपने मुताबिक कर लेते हैं, सत्ता के लोगों की बाजीगर इसी बात में है कि अपने अपनी सहूलियत सुविधा के मुताबिक आप दलीलें कर लेते हैं। राजीव भाई, आज की तारीख में आपके लिए सेक्युलरिज्म बड़ा मामला या करप्शन?
नहीं, गांधी बड़े हैं या दीनदयाल बड़े हैं? अभी तो सेंटेनरी आपने इतना बनाया है और दोनों सेंटेनरी साथ पड़ी हुई है, और नीतीश कुमार ने ही गांधी सेंटेनरी पे, चंपारण सेंटेनरी पे सबसे ज्यादा किया है। तो अब ये बताइए, गांधी बड़े हैं कि दीनदयाल बड़े हैं? गांधी का स्थान तो इस देश में कोई नहीं ले सकता है। चलिए, महात्मा गांधी सदैव अनुकरणीय रहेंगे, वो महामानव थे, और मानवों के बीच अगर महात्मा गांधी की चर्चा हम करते हैं तो मुझे लगता है हम उनकी महत्ता कम करते हैं। महात्मा गांधी सबके ऊपर थे, और जहां तक धर्मनिरपेक्षता के लेकर को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के जो सरोकार हैं उस पर जनता दल यूनाइटेड कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है। हम ये मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक छवि बनी है वो विकास परस्त राजनेता की छवि बनी है। मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, बिहार के जो बड़े सवाल हैं उन सवालों पर जनता दल यूनाइटेड की जो पुरानी राय है उस पर हम कायम हैं कि बिहार लंबे समय से केंद्र की औपनिवेशिक नीतियों का शिकार रहा है, बिहार को संसाधनों का अभाव झेलना पड़ा है, बिहार को विकास का अधिकार चाहिए, और निश्चित तौर पर बिहार के विकास के लिए ये एक सबसे बेहतर दौर साबित हो सकता है जब केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार हो। आशावादी हैं राजीव जी, मैं अगर आपकी बात समझ रहा हूं तो मैं नीतीश कुमार जी यूपीए के दौर में भी नहीं, 1,25,00,000 का पैकेज अब मिल जाएगा और उससे बिहार का विकास होगा ना? ये इंश्योर कर दिया नहीं उन्होंने सरकार बदल? देखिए केवल एक मिनट में रोक।